शामिल करते हैं सवेरा टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सर्जिकल सामान की 3 रोजा नुमाइश जारी है। इस नुमाइश में दुनिया भर से 54 से ज्यादा ममालिक की कंपनीज ने अपने स्टॉल्स लगाए। पहले दिन पूरी दुनिया से 1100 से ज्यादा सर्जन और 1500 से ज्यादा डॉक्टर्स ने नुमाइश का दौरा किया। पाकिस्तान की 5 मशहूर कंपनीज भी इस नुमाइश का हिस्सा हैं। ज्यादातर कंपनियों का ताल्लुक सियालकोट शहर से है। 5 कंपनीज को स्टॉल्स बुक करने के बावजूद यूनानी हुकूमत ने वीजे इशू नहीं किए, इस वजह से वो कंपनियां इस नुमाइश में हिस्सा ना ले सकी। पाकिस्तानी स्टॉल्स पे लोगों का शदीद रश देखने को मिला, जिसकी वजह क्वालिटी का अच्छा होना है। नुमाइश अभी भी मजीद 2 दिन जारी रहेगी। खबर रहिए हर जगह हर वक्त पर वक्त। अभी सवेरा न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।